गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अर्धचालक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में हम आज पढ़ेंगे अर्धचालक। चालक और कुचालक, ठीक है, कोई भी चालक हो, अर्धचालक हो या कुचालक हो, इसमें दो तरह के बैंड होते हैं। ठीक है, बैंड थ्योरी को पढ़ेंगे। बैंड थ्योरी क्या होती है? ये एक तो होता है कंडक्शन बैंड, सीबी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? बैलेंस बैंड, सबसे पहले जो बैलेंस बैंड मान लो, इसमें इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो बैलेंस बैंड में क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब एक दूसरे के ऊपर कुछ एनर्जी अप्लाई करते हैं, मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे सेमी कंडक्टर है, इसके आखिर में क्या है, चार इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक बगल में भी और इलेक्ट्रॉन खड़े हो जाते हैं। तो ये क्या, इसके ऊपर क्या लगाता है, दबाव लगाता है, ये इसके ऊपर दबाव लगाता है, तो इसके कारण ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर बैलेंस रहते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं बैलेंस बैंड। ऐसे ही इनके बीच जो बचने वाला गैप है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडेंट एनर्जी गैप, फॉरबिडेंट, फॉरबिडेंट, फॉरबिडेंट एनर्जी गैप। फॉरबिडेंट एनर्जी गैप क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए मतलब कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ मतलब क्या है, इसमें अवरोध है पैदा, ठीक है, कुछ एनर्जी, कुछ पावर, ताकि क्या करें, जो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे सेमीकंडक्टर के जो क्या है इलेक्ट्रॉन है वो पार करने के लिए कुछ क्या रहता है, कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे हमारा सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन, सिलिकॉन का अगर मैं कोई भी डायोड बनाऊं, अगर मैं सिलिकॉन का, तो उसमें कितने वोल्ट की जरूरत होती है, कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, 0.7 eV। ऐसे ही हमारा जर्मनी का होता है, जर्मनी में जो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके लिए कितने का, 0.132 eV। ठीक है, इतनी एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है कंडक्शन बैंड में जाने की। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद्युत धारा के क्षेत्र में क्या होता है, धारा फ्लो करवाने के लिए योग्य होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड, एक बैलेंस बैंड। तो इसमें क्या चीज पूछी जाती है, इसमें ये चीज पूछी जाती है कि जो अर्थ हमारा अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, उसके बीच में फॉरबिडेंट एनर्जी गैप कितना होता है, चालक में फॉरबिडेंट एनर्जी गैप कितना होता है, इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी को हमें आना चाहिए कि कंडक्शन बैंड में होते हैं, जैसे हमारा अर्धचालक है, तो अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉनों का जो जो फोर्स है आपस में क्या हो, बैलेंस बैंड में रहता है। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें कुछ एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, आगे मतलब एक सीक्वेंस में क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप है इसको बोलेंगे फॉरबिडेंट एनर्जी गैप। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड और एनर्जी, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, सॉरी, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, ऐसे ही हमारा कुचालक मतलब सब में होता है, एक बैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, बैलेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है, बैलेंस है वो, ठीक है, बैलेंस है वो, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
फोर्स कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ मतलब अवरोध पैदा है, ठीक है, इसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, ये चीज समझ गए। अब जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग 0.1 ईवी से 0.7 ईवी तक होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। ऐसे ही चालक में, चालक में एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है, जीरो एनर्जी, एनर्जी फॉरबिडेंट, फॉरबिडेंट गैप कितना होता है, जीरो ईवी, ठीक है। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे इसके कंडक्शन बैंड में फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे चालक है, चालक में कोई अवरोध पैदा नहीं होता, जैसे हम कोई ईवी सोर्स लगाते हैं उसका कुछ हल्का फुल्का रेजिस्टेंस वो आइडियल तो कोई भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे चालक है, ठीक है, जिसके द्वारा करंट फ्लो हो रहा तो नाम मात्र में है, तो इसमें जो एनर्जी गैप वो क्या होता है, जीरो ईवी के आसपास होता है। ऐसे ही हमारा कुचालक है, कुचालक का होता है हमारा 10 ईवी से 15 ईवी, ठीक है, इनके बीच जो एनर्जी गैप है, मतलब अगर मैं यहाँ की इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड मतलब कंडक्शन बैंड में अगर फ्लो करवाऊं, कंडक्शन बैंड में अगर मैं फ्लो करवाऊं, ये हमारा बैलेंस बैंड है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से 15 ईवी का वोल्टेज, वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे चालक, कुचालक और अर्धचालक में बैलेंस बैंड थ्योरी, ठीक है। एक जो सेमीकंडक्टर होता है जीरो डिग्री सेल्सियस पर कुचालक के भांति कार्य करते हैं, कुचालक के भांति भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगर जीरो डिग्री सेल्सियस में अगर तापमान पहुंचेगा तो जो हमारा कुचालक, जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा, जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो क्या बनाता है, उसे बोलते हैं कोवेलेंट बैंड, ठीक है। आपस में जो संयोजी क्रिया बनाता है, जो हमारा बैलेंस बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच जो हमारी संयोजकता बनती है उसे बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बैंड, सह सहयोजिता, सहयोजिता या इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट बैंड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये जो है हमारा सहयोजिता या कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे ही हमारे जो चालक है क्या बनाते हैं,